Do you want to pursue UG and PG degree in science from a prestigious institute in Bhopal? If yes, then log into www.bsssbhopaledu.in. The Bhopal School of Social Sciences is offering undergraduate and postgraduate courses in science where we have an experience of more than 50 years of success and legacy of transforming talented young minds into accomplished professionals. Also, we provide 100% placement opportunities in recognized organizations as well. So, what are you waiting for? Join us at the Bhopal School of Social Sciences where your journey to success begins. BSSS Rhythm. BSSS rhythm.

हेलो एवरीवन कैसे आप सभी आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे बी एस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपकी होस्ट एज वेल एज फ्रेंड पारुल मिश्रा और आज हमारे पास एक मोस्ट स्पेशल एंड टैलेंटेड गेस्ट है वन एंड ओनली नेशनल इंटरनेशनल लेवल कोर्स मिस्टर जयदेव शंकर मोस्ट वेलकम सर थैंक यू थैंक यू सर बेसिकली सर इज़ बेस्ट एंड मोल्डिंग चैम्पियंस टू दियर गेट इज एफिशेंसी हुजो ब्रॉड ऑनर टू इंडिया इन बोर्ड नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल विथ ओवर थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड अगर हम सर की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सर सिक्स बेल्ट ब्लैक बेल्ट ऑप्टेन करते हैं उसको हम सिक्स डैन भी कहते हैं और सर सर्टिफाइड कोच हैं वर्ल्ड कराटे फेडरेशन एंड एशिया कराटे फेडरेशन में और सर को बहुत सारे वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है पर उसमें से मैं कुछ इम्पोर्टेंट है विशा अवार्ड 2007 बेस्ट कोच अवार्ड 2008 स्पेशल अवार्ड सेस प्रशिक्षक अवार्ड अजय विजय अवार्ड एंड मैनी मोर और अगर मैं बात करूँ सर के ट्रेन हुए चैम्पियंस की तो वो भी कुछ नहीं है उनके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जैसे एक क्लब अवार्ड विक्रम अवार्ड विश्वामित अवार्ड और जो मुझे मोस्ट एडवेंचरस थिंग लगती है कि सर बहुत सारी कंट्रीज भी घूम चुके हैं जैसे जापान इंडोनेशिया मलेशिया कैनेडा दुबई श्रीलंका एंड मैनी मोर तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम टू आर स्टूडियो सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके वाकई कुछ डिफरेंट लग रहा है एक पॉजिटिविटी यहाँ लग रही है और बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट है ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर Uh, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ चूंकि मैं दे चुका हूँ uh, दूरदर्शन पर भी और अलग अलग उन पर भी बट uh, यहाँ एक अच्छी पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है और जहाँ भी स्पोर्ट्स की बात होती है तो ऑब्वियसली yeah. कम से कम मेरे लिए तो बड़ा अच्छा लगता है मैं चूँकि मेरा तो पैशन ही <laughs> स्पोर्ट्स है <laughs> और प्रोफेशन ही स्पोर्ट्स है तो दुनिया में अगर सबसे सुखी इंसान कोई है तो वो ये है कि जिस इंसान का पैशन अगर उसका प्रोफेशन हो जाए तो उससे सुखी कोई भी नहीं है और मैं उन सुखी इंसानों में से एक हूँ कि कराते मेरा पैशन था और वही जाके मेरा आज प्रोफेशन हो गया है सो बस ये जुनून है और जब तक सांस है तब तक ये जुनून रहेगा ओके सर सर जैसे कि आप थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपको कोच पे तो मतलब आपको मतलब बहुत एडवेंचरस लाइफ एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि इतने सारे बच्चों को हमने ट्रेन किया कैन से कि भांति भांति के लोग बहुत सारे तरह के आए तो मैं पूछना चाहती हूँ आपकी लाइफ जर्नी एज अ कोच कैसी थी क्या एक्सपीरियंस किया हमने नया देखिए पारुल जी एक प्लेयर जो होता है ना वो सिर्फ अपने लिए प्लेइंग करता है हुँ. अपने कंट्री के लिए करता है, है ज़्यादा से ज़्यादा बट एक कोच जो होता है वो उसकी मेहनत वो सभी प्लेयर्स के लिए होती है जो उसके टीम के मेम्बर्स होते हैं और कोचिंग इजी टास्क नहीं है बहुत टफ टास्क होता है बड़ा चैलेंजिंग जॉब है ये इस्पेली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों या किसी एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन या डिपार्टमेंट से जुड़े हों तो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और मैं उन लोगों में से मैं हूँ कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कराते स्पोर्ट्स में मैं फ़र्स्ट इंडिया लेवल पर फ़र्स्ट अपॉइंटेड कोच रहा हूँ उसके बाद में सॉरी टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड सेवन उसके बाद फिर मैं टू थाउजेंड सेवन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फिर मैं आ, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में रहा हूँ और अभी रिसेंटली मेरा खुद का मार्शल आर्ट्स गुरुकुल है जो दानशगंज भोपाल में ही है तो जहाँ तक चैलेंज की बात है या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो वो अगर हम अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और कोई भी प्लेयर मेरे पास आता है तो फिर मेरे लिए वो हर एक प्लेयर चैलेंज हो जाता है मेरी कोशिश होती है, है कि है। इसको है ना कंट्री के लिए तैयार करूं ये इंटरनेशनल लेवल पर जाके हमारे देश के लिए मेडल लाए और हमको बड़ा गौरवान्वित करे जहां तक आपने बोला कि कोच की लाइफ कैसी होती है हाँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स जब मेरे पास बच्चे को लेकर आते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ जब तक ये बच्चा मेरे पास में है ना आप भूल जाइएगा अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेकेंड mm. वन मुझे मालूम है कि ये बच्चा मेरा नहीं है जिस दिन इसकी पहली जॉब लगेगी और पहली सैलरी मिलेगी 99.9 परसेंट ये आपको देगा yeah. बट उसके बावजूद भी एज ए कोच एज ए गुरु मेरी ये ड्यूटी बनती है मेरा कर्तव्य बनता है कि जब तक ये बच्चा मेरे पास है तब तक मैं अपना हंड्रेड परसेंट नॉलेज इसके साथ शेयर करूं, इसको अच्छे से आगे बढ़ाऊं और खूब सारे मेडल और अचीवमेंट के बाद में उनके साथ में फिर इसकी कहीं अच्छी जॉब लगे और ये अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके तो बस उसके साथ में फिर वो सफ़र स्टार्ट होता है हमारा आ, बच्चा कब सो रहा है कब जाग रहा है क्या खा रहा है उसकी डाइट क्या है उसकी अदर एक्टिविटीज़ क्या है शायद पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते होंगे जितना एक कोच ध्यान देता है क्योंकि कोचिंग uh, लाइन में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर बच्चे को अदर एक्टिविटी से बचा लिया गया तो वो चैम्पियन बन जाता है तो उसकी जो एनर्जी है उसका जो टाइम है उसको आप फोकस कर दीजिएगा कि वो अपने गेम पर कॉन्सनट्रेट करे सर आई टोटली एग्री कि ये चैलेंजिंग तो बहुत होता है बट सर एक चैलेंजेस ये आता है कि अगर हम इंडिया की बात करें नॉर्मली तो लोग स्पोर्ट्स में इतना अपना करियर यू नो पेरेंट्स लोग मानते नहीं है 85 परसेंट मतलब इंडियन पेरेंट्स ये ठीक सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में तो हमारा करियर ही नहीं है स्पोर्ट्स नहीं। में बच्चे का करियर नहीं है तो आप उनको कैसे कन्वे कर सकते हो कि नहीं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी करियर होता है देखिए मेरा ऑफिशियली जो कोचिंग करियर स्टार्ट हुआ वो सिक्सटीन जैन नाइनटीन एटी नाइन से अप्रोक्स थर्टी फाइव ईयर्स हो गए उसके पहले मैं कोचिंग करता था बट वो ऑफिशियल क्लास थी मेरी जो मैंने ग्वालियर से स्टार्ट की <coughs> और टू थाउजेंट में मैंने एज ए कोच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया धार ज्वाइन किया उसके बाद टू थाउजेंड सेवन में मैंने टी टी नगर स्टेडियम में खेल और युवक कल्याण विभाग एज ए चीफ के चीफ कोच ज्वाइन किया और मेरे जहाँ तक स्पोर्ट्स में बच्चे के करियर का सवाल है <coughs> तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं प्लेयर्स के जिन्होंने मुझे अपने जीवन के सात आठ साल दिए किसी बच्चे ने तो पाँच छः साल ही दिए हैं और उन्होंने वो अचीवमेंट लेने के बाद में कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टिव जॉब में है वो स्पोर्ट्स कोटे की जॉब में है लाइक सर्विसेज like, की टीम में लीड कर रहे हैं वो आईटीबीपी टीम है सी की टीम है असम राइफ़ल की टीम है और भी बहुत सारी हैं अलग अलग स्टेट की फोर्सेस हैं उनमें हैं प्लस अदर डिपार्टमेंट्स जो हैं जिनमें हम बोलेंगे सेल टैक्स है इनकम टैक्स है पोस्टल ऑर्डर है पासपोर्ट ऑफिस है तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ वो प्लेयर्स ने वर्कआउट किया वर्कआउट के बाद में अचीवमेंट लिया और वो एक अच्छा जॉब के साथ अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऐसा मानना पहले था के खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब हाँ। आज आज की डेट में वो धारणा खत्म हो चुकी है हाँ। आज वो चीज़ नहीं है लिटरली मेरा ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई भी प्लेयर या कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में कम से कम बीस साल पढ़ता है और एक दिन में कम से कम आठ घंटे वो पढ़ता है मिनिमम बोल रहा हूँ ये आपको हाँ आठ से दस घंटे वो पढ़ाई करता है ट्वेंटी ईयर्स पी तक आते आते उसका इतना टाइम होता है उसके बाद में क्या गारंटी है कि वो कहाँ कहीं जॉब लगेगी उसकी तो या कहीं सक्सेस होगा नहीं सर बिल्कुल मैं पढ़ाई की अगेंस्ट नहीं हूँ पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है जितना स्पोर्ट्स ज़रूरी है लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है मेरा दावा है कि अगर कोई बच्चा मेरे पास में छः सात साल देता है और वो सिक्स आवर्स भी अगर देता है आठ दस घंटे नहीं चाहिए छः घंटे भी देता है वो या किसी भी अच्छे कोच के पास देता है तो डेफिनेटली एक रेस्पेक्टिव लाइफ स्पेंड कर सकता है वो स्पोर्ट्स के जरिए सर आई टोटली एग्री क्योंकि मैंने खुद आपके चैंपियन से मिली हूँ और मैं आए दिन देखती हूँ उनके न्यूज़पेपर पे इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट निकलती है तो सर अब हम स्पोर्ट्स को हटा के सर एक प्रॉपर कराटे की बात करते हैं सो द वर्ड कराटे वो एक्चुअल का मतलब क्या है और आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं अपने वे में एक्चुअली कराटे दो वर्ड से मिलकर बना है करा प्लस ते तो करा मीस इम एंड ते मीन्स हैंड्स होते हैं और ये एक इनकम्प्लीट वर्ड है कम्प्लीट वर्ड होता है कराते डो डी ओ डो तो okay. मींस वे तो खाली हाथों से लड़ने की या सुरक्षा करने की कला आर्ट को कराते बोला जाता है okay. और इसके आगे मैं बता देता हूँ आप पूछेंगे उसके पहले ही <laughs> कि कराते हुआ या मार्शल आर्ट हुआ इसका ओरिजिन हमारे देश से हुआ है Okay, लोग बाग सोचते हैं ये जापान से हुआ है या चाइना से हुआ है नहीं ये हमारे कंट्री से हुआ है भारत देश से हुआ है आ, साउथ में इसको ज़्यादा खेला जाता था आज भी वो कलरी पयट के नाम से हमारे यहाँ पर है फिर चाइना से कुछ लोग हमारे यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी के तहत आए और एक बौद्ध धर्मा एक बौद्ध भिक्षु थे क्योंकि ये लोग अहिंसावादी होते हैं पर फिर भी कुछ नॉन सोशल पर्सन से कैसे फाइट की जाए ज़रूरत पड़ने पर तो फिर उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा और बौद्ध धर्मा जी के द्वारा ये आर्ट गया फिर चाइना में चाइना से फिर जापान कल्चरल एक्टिविटी के तहत जापान गया और जापान ने फिर इसको मॉडिफाई किया जापान ने एक मार्शल आर्ट को या कराते को मॉडिफाई किया और जापान से गया फिर ये फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ पर इन्होंने इसको स्पोर्ट्स इस का लिया तो आज की डेट में कराते जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिकोगनाइज गेम है जहाँ इसके ज़रिए बहुत सारे प्लेयर्स अपना अच्छा जॉब कर रहे हैं और अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं क्या आप सोशल वर्क में डिग्री चाहते हैं क्या आप बी एस डब्ल्यू और एम एस डब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं अगर हाँ देन लॉग ऑन टू डब्ल्यू 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 डॉट बी एस 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 भोपाल डॉट ई डी यू डॉट इन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बी एस 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 भोपाल इज अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक सोशल वर्क एजुकेशन फॉर मोर देन फाइव डिकेड्स नाउ हेयर यू गेट अ लॉट ऑफ अकेडमिक एंड फील्ड एक्सपोजर थ्रू सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप एंड प्रोजेक्ट्स विजिट Camps and 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 etc so come and visit and see for yourself तो फॉर अगर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ फॉर प्लेइंग कराटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एज अ प्लेयर जो हमारे ऑडियंस देखने अगर वो कराटे खेलना चाहते हैं या कौन सी एज परफेक्ट होती है प्लेयर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है उन्हें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए देखिए पारुल जी जहाँ तक हम स्पोर्ट्स की कराते की बात करें okay. तो मेरे पास में अभी थ्री एंड हाफ़ ईयर के बच्चे भी प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और ये एज काफ़ी अच्छी होती है अगर हम किसी भी फील्ड में एक बहुत अच्छे मुकाम पर जाना चाहते हैं तो उसको टाइमली हम स्टार्ट करें hmm. तो चार पाँच साल की उम्र है वो बहुत अच्छी होती है वहाँ से प्लेयर को स्टार्ट करना चाहिए अपनी जर्नी और पेरेंट्स को चूंकि उस टाइम उस एज का बच्चा तो छोटा होता है उसको नहीं मालूम है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है पर प्लेयर्स पेरेंट्स को ये मालूम होता है कि ये स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है या उसको दो तीन गेम में वो दिखाएं सर्च कराएं और जो गेम उसको इंटरेस्टिंग लगे उस गेम में उसको वहाँ पर एडमिशन कराएं और फिर अच्छे कोच को भी सर्च करना चाहिए पेरेंट्स को कहीं भी अगर अपने बच्चे को वो कोचिंग के लिए भेजते हैं तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसी रिकोगनाइज प्लेस पर भेजें जहाँ से बच्चे को सही प्लेटफॉर्म मिले इंटरनेशनल लेवल का या नेशनल लेवल का रिकोगनाइज प्लेटफॉर्म मिले जिसके जरिए वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए अपने आप को सक्षम करा सकते हैं ओके सर तो एक कहावत है इट्स नेवर टू लेट सो अगर जैसे हमारे जैसे एज के बच्चे हैं आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हो कि वो इस फील्ड में आए ना आए ये फील्ड कप के लिए कितने टाइम तक के लिए बेस्ट होता है uh, देखिए पारुल जी किसी भी अच्छे काम को करने की कोई एज नहीं होती है यस सर ऑफ कोर्स और कराते की स्पेशलिटी ये है कि इसमें हमारी तीन चीज़ें कवर हो रही हैं <laughs> कराते एक आर्ट है सेल्फ डिफेंस आर्ट है तो सबसे पहले तो इसमें हमारा फिटनेस लेवल कवर हो रहा है कि हम फिजिकली और मेंटली अपने आप को फिट बना सकते हैं कराते के जरिए नंबर वन सेकेंड वन कि इसमें हमारा सेल्फ डिफेंस जो पार्ट है वो कवर हो रहा है थर्ड वन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं एज ए प्लेयर एज ए कोच और एज ए ऑफिशियल बट उसके लिए आपको काफी सारा वर्क करना पड़ेगा ट्रेनिंग सर और बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज स्पोर्ट्स में मेरा ये मानना है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है एजुकेशन hmm. में शॉर्टकट हो सकता है yes. कि आप अपने सर के पास जाइएगा गुरुजी के चरण स्पर्श कीजिएगा <laughs> कि सर थोड़ा सा मुझे अगर आईएमपी क्वेश्चंस कुछ मिल जाएंगे तो गुरुजी भी थोड़ा सा कि हाँ ठीक है बच्चा अच्छा है कि बेटा ये दस क्वेश्चन याद कर लेना और कम से कम थर्टी थ्री परसेंट तो आ जाने हैं बट hmm. स्पोर्ट्स की एक विशेषता है कि इसमें आप नेक्स्ट राउंड में तभी जा पाएंगे जब आप अपना हर एक राउंड में हंड्रेड देंगे यहाँ थर्टी थ्री फोर्टी परसेंट नाइनटी नाइन परसेंट की कोई जगह नहीं है हाँ। आप हंड्रेड परसेंट देंगे तो करा देंगे नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो हार्ड वर्क करना है और आगे बढ़ना है ओके सो जैसे बताया गया है कि कराटे की कोई भी एज नहीं होती है आप अपने लिए जब भी हाँ। आपको लगे कि आपकी हॉबी से आप कर सकते हैं इस चीज़ को स्पोर्ट्स तो खेलना ही चाहिए फॉर फिटनेस आई टोटली एग्री सर मैंने एक बहुत सारे कोचों से एक बात सुनी है कि लाइक दे से कि टेक्निक पर फोकस करें हम अगर हम कराटे कर रहे हैं तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है टेक्निक पोस्टर ना कि आपका एक लिमिट तक हम बॉडी वेट को अगर हटा दें और चीज़ों को हटा दें तो देलवेज से कि टेक्निक अच्छी होनी चाहिए आपका मतलब जो भी आप किक कर रहे हैं या जो भी आप ब्लॉक्स कर रहे हैं कराटे में जैसे होता है तो मतलब ये मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब टेक्निक ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उधर बॉडी वेट और ये सारी चीजें एक बार नेगलेक्ट की जा सकती है आ, नहीं इसमें नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम अच्छा अगर <laughs> आपको अगर आपको प्रोफेशनल कराटे करना है <laughs> प्रोफेशनल प्लेयर बनना है ओके okay, सर या किसी कोच को प्रोफेशनल प्लेयर रेडी करना है तो दो पार्ट होते हैं इसके एक एथलेटिक पार्ट होता है और एक टेक्निकल पार्ट होता है अच्छा एथलेटिक पार्ट में भी छः इसके क्राइटेरिया होते हैं <laughs> उनको फिल करना होता है जिसमें इंड्योरेंस हो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ फ्लैक्सीबिलिटी स्पीड कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी तो ये छः पार्ट हमको कंप्लीट करते हैं तब हम बोलेंगे कि ये एथलीट हो गया एथलीट मींस फिटनेस फिटनेस एथलीट का मतलब सिंपली होता है फिटनेस और वो फिटनेस सिर्फ फिजिकली फिटनेस ही मेंटल फिटनेस भी उसमें काउंट होती है तो बोलते भी है ना एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है तो आप जब फिजिकली फिट होंगे तो पॉजिटिव थॉट्स भी आपके पास रहेंगे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा वर्क करेगा कि स्थिति कोई भी हो सिचुएशन कैसी भी हो आपके फेवर में है या आपके अपोज में है जब आप फिट होंगे मेंटली और फिजिकली तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे पॉजिटिव डिसीजंस ले पाएंगे तो एक पार्ट तो ये हो गया हमारा जो एथलेटिक पार्ट होता है दूसरा पार्ट होता है फिर चैम्पियन का वो टेक्निकल पार्ट हो गया टेक्निकल टेक्निकल पार्ट हो गया टेक्निकल पार्ट में भी तीन चीज़ें होती हैं टेक्निक टेक्टिक और स्ट्रेटजी तो इसमें सबसे जो ज़्यादा समय लेता है वो है टेक्निकल जो आपने मुझे बताया कि टेक्निक जो होती है वो उसके परफेक्शन में बहुत ज़्यादा समय लेती है इसमें कोई शक नहीं है और परफेक्शन की कोई लिमिट भी नहीं होती है ये भी फैक्ट है जो वर्ल्ड चैम्पियन हो गए हैं मेनी टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन है वो भी आज ट्रेनिंग कर रहे हैं और परफेक्शन के लिए सर। तो टेक्निक को परफेक्ट करने की कोई लिमिट नहीं है सबसे ज्यादा टाइम टेक्निक ही लेती है बट चैंपियन बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को एथलीट बनाना है फिजिकली और मेंटली फिट करना है वो इम्पोर्टेंट है मतलब सर ओवरऑल हमें सारी चीजें अपनी मेंटेन करनी पड़ती है इसमें ऑब्वियसली ओके सर अब ये मतलब मोस्ट कॉमेडी क्वेश्चन है या मतलब मोस्ट फनी क्वेश्चन भी कह सकते हैं मतलब अगर आप कराटे बोल रहे हैं तो सबके मन में यही आता है तो किससे लड़ सकता है वेरी ऑनेस्टली <laughs> तो मतलब अगर हम फॉर एन एग्जाम्पल एक कराटे प्लेयर है और सामने एक बॉडी बिल्डर है या जो रेगुलरली जिम जाते हैं अगर हम उन लोग की फाइट करवाएं तो मोस्टली केसेस पर कौन जीतता है देखिए वैसे तो एक क्वेश्चन जो है नो तर्क संगत नहीं है ठीक है ना कभी भी दो प्लेयर्स को आ, अगर वो सेम स्पोर्ट्स में है सेम कैटेगरी में है तब तो उनका कंपटीशन होना है ऑब्वियसली हाँ. और कंपटीशन मतलब होता है पॉजिटिव कंपटीशन पॉजिटिव कभी भी किसी को डिफीट डिफीट देना है क्यों देना है क्योंकि हमने आगे बढ़ना है इसलिए हमको उसको डिफीट देना है हुँ. पर उसको नुकसान पहुंचाना है इसलिए डिफीट देना है तो ये अच्छी बात नहीं है तो मार्शल आर्ट अपने आप में एक युद्ध विद्या है मार्शल आर्ट है और अदर गेम्स जो भी होते हैं लाइक like आपने कहा अभी बॉडी बिल्डिंग है, है। uh, या पावर लिफ्टिंग है तो वो बॉडी बिल्डिंग में तो शरीर सौष्ठता होती है कि बॉडी का कितना कौन सी मसल कितना बिल्डअप कर रही है वो भी एक स्पोर्ट्स है बट वो मार्शल आर्ट नहीं है तो हम इन दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं हाँ कंपैरिजन कहाँ हो सकता है मैं आपको बताता हूँ कि नॉन सोशल पर्सन जो होते हैं Hmm. आप अकेली जा रही हो आपने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है okay, अच्छे से तीन चार साल सीखा हुआ है आपने और फिर अगर आपको दो चार लोग मिलते हैं रास्ते में वो आपको परेशान करते हैं hmm. आपके साथ बदतमीजी करते हैं तो फिर आप उनको बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं अगर आपने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है तो hmm. और उसको हम बोलेंगे सेल्फ डिफेंस अब आ, एक क्वेश्चन का आंसर मैं खुद से आपको दे देता हूँ कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू मी सेल्फ डिफेंस सिर्फ दो वर्ड्स में हो जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड सेल्फ डिफेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे को बॉक्सिंग आना चाहिए कराते आना चाहिए ताइक्वांडो आना चाहिए या कोई भी मार्शल आर्ट आना चाहिए hmm. हो सकता है हमको नहीं आए हमारे पास कोई वेपन भी नहीं है hmm. मेरे पास कुछ भी वेपन नहीं है बट और उसी टाइम अगर मेरे साथ ऐसी कोई घटना होती है तो मैं अपने आप को सेव कैसे करूं? तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को शांत रखिएगा इसको हाइपर होने से या फिर इसको आउट ऑफ कंट्रोल होने से और डिसीजन गलत होंगे क्रोध बुद्धि को खा जाता है <laughs> जब बोला जाता है तो वो सही है कि आप सबसे सब पहले कूल रहिए और आप ये देखिए कि आपके हाथ में या आपके पास ऐसा क्या है जिसको मैं वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ लाइक मोबाइल है लाइक पेंडोट है, है स्पेक्स है बैग है दुपट्टा है तो आपके पास जो भी चीज़ है ना वो एक वेपन है और वो बहुत डेंजरस वेपन है अगर आपको उसको इस्तेमाल करते हैं तो नहीं है तो फीमेल की तो पसंदीदा चीज़ होती है नेल्स हैं बड़े बड़े होते हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो बस जरूरत है कि उस टाइम आप घबराएं नहीं प्रॉब्लम्स वहीं होती हैं जहाँ फीमेल्स घबरा जाती हैं या मेल्स भी घबरा जाते हैं तो फिर वो क्या अच्छा कर सकते हैं उस टाइम पर वो उनके दिमाग से स्किप हो जाता है तो प्रजेंस ऑफ माइंड अपना अच्छा रखिएगा कूल रहिएगा प्रॉब्लम पर नहीं सोलूशन पर सोचना है सर ये मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि लोग बोलते हैं ना कि उनको कराटे नहीं आता मतलब स्पेशली गर्ल्स की बात करें तो वो हमेशा डिपेंडेंट रहती है किसी ना किसी पे या अपने भाई पे डिपेंडेंट होती है अपने पापा पे डिपेंडेंट होती है शादी के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाती है जस्ट फॉर लाइक सेल्फ एट उसके लिए तो सर ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको नहीं आता है बट प्रेजेंस ऑफ माइंड एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है तो सर मतलब इस चीज़ से मुझे एक और क्वेश्चन अराइव होता है अगर मैं मतलब सेल्फ डिफेंस का रेशियो देखूँ या कोई भी मार्शल आर्ट का रेशियो देखूँ तो उधर पे सेवेंटी परसेंट ऑफ बॉयज़ रहते हैं और थर्टी परसेंट ऑफ गर्ल्स इसका रेशियो पूरा अपोज़िट होता है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि लड़कियों को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए तो सर ये सब मतलब ऐसा क्यों है कि लड़कियों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है और आपका क्या कहना है इस बारे में इसमें कुछ नहीं है परुल जी सिर्फ यही है कि एक तो हैजिटेशन hmm. और एक शाइनेस शर्म hmm. तो झिझक और शर्म ये दो चीजें हटानी है hmm. प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ hmm. अच्छा आप ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पर आ, एक आ, शक्ति जो होती है जिसको शक्ति बोलते हैं या महाशक्ति है वो क्या है फीमेल जेंडर है मेल जेंडर तो नहीं है वो तो फीमेल को इस बात को समझना चाहिए कि जो महाशक्ति पूरे विश्व को ब्रह्मांड को चलाती है उसी का एक स्वरूप मैं हूँ उसका एक पार्ट मैं हूँ सिर्फ फीमेल के साथ में प्रॉब्लम वहाँ होती है जो वो अपने आप को समझती नहीं है और एक चीज़ समझती है, नहीं मैं तो लड़की हूँ मैं अबला नारी हूँ मैं <laughs> ना कुछ नहीं कर सकती तो सबसे पहले तो इस मेंटेलिटी से ऊपर उठना है हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल ऊपर उठना है और आज देखिए ना मेरे पास बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं जिन्होंने मेल से भी अच्छा कराते हैं स्पोर्ट्स में अचीवमेंट दिए हैं नेशनल भी इंटरनेशनल लेवल पर दिए हैं और बहुत अच्छे आ, अपने लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल हैं वो अभी भी हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप हुआ चंडीगढ़ में रिसेंटली अभी सिक्सटीन टू नाइनटीन ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी तो उसमें भी अभी मेरे यहाँ से गुरुकुल से दो लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया एक रंजिता सिन्हा और दूसरा गार्गी सिंह परिहार तो अभी दोनों का ब्रॉन्स मेडल है यहाँ पे हाँ। हालांकि हा, उस टूर्नामेंट में मैं नहीं गया था मेरे कुछ और काम थे और मैं अगर वहाँ होता तो डेफिनेटली हाँ सर मैंने इनका देखा भी था लाइक न्यूज़पेपर पे निकला था इन दोनों का तो सबसे पहले हमारे यहाँ की महिलाओं को लड़कियों को फीमेल्स को ये समझना है कि मैं कर सकती हूँ डेफिनेटली सिर्फ मैं कर सकती हूँ ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस बट मैं कर सकती हूँ ये हो गया कॉन्फिडेंस तो hmm. so आपको इस बात पर ध्यान देना है आप कर सकते हैं और hmm. कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले टफ लगता ही लगता है hmm. जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो फिर वो ईजी होता, होता है इजी होता जाता yes. है फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट दैट ओके सर सर अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जो लोगों को पता है इसमें एक्चुअली अपना करियर कैसे बनता है मतलब कराटे टीम पे और एक बहुत लोग ने सुना है मतलब नॉर्मल अगर मैं नॉर्मल लोग के बात से आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे कि ब्लैक बेल्ट होता है उनको सिर्फ इतना मज़ा होता है और ये हाइएस्ट होता है और उसमें एक मतलब क्या प्रोसेस होता है कैसे हम उस डिग्री तक जाते हैं प्लीज़ आप उसको एक्सप्लेन करिए एक्चुअली जो क्वालिफिकेशन होती है वो तरह, दो तरह की होती है एक एकेडमिक okay. क्वालिफ़िकेशन और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो आप स्कूल और कॉलेजेस में जाके लेते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी मिलती है जैसे बी है या एम है एन uh, है वो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में है ऐसे ही कराटे की जो बेल्ट ग्रेडिंग है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आती है और मेरा ये कहना रहेगा सभी से जो भी लोग कराटे कर रहे हैं जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ पर टाइम टू टाइम अपना बेल्ट ग्रेडिंग अपने आप को करते रहें अपने आप को अपग्रेड करते रहिएगा जिससे इन फ्यूचर अगर आपको कहीं एज ए कोच अप्लाई करना है तो वहाँ आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि सर आप कौन सा बेल्ट है इट मीन्स कराते में आपकी क्वालिफिकेशन क्या, क्या है? है तो आप ब्लैक बेल्ट तक ज़रूर जाइएगा ब्लैक बेल्ट से पहले दस बेल्ट होते हैं जिसमें येलो ऑरेंज ग्रीन ब्राउन इसमें कैटेगरी होती है जूनियर सीनियर की और ब्लैक के बाद में फिर दस बेल्ट हो, होते हैं जिनको डैन भी बोलते हैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान टेक्निकल भाषा में आएंगे तो शोदान नीदान शानदान योनदान गोदान रुकोदान okay. तो hmm. ऐसे चलते हैं ओके सर थैंक यू इट वाज वेरी वंडरफुल इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को पक्का में ये बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी लास्ट बट नॉट द लीज अगर आप कोई भी टिप या कोई भी सजेशन हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं सो प्लीज यूर फ्री टू गो सबसे पहले तो आपका बहुत 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 धन्यवाद बी एस 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 ग्रुप जो मुझे यहाँ पर आपने इनवाइट किया वाकई मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन लोगों से मेरा यही कहना रहेगा अगर वो पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को आप किसी भी स्पोर्ट्स में स्टार्ट कराइएगा बिकॉज हमने अपने बच्चों का बचपन ख़त्म कर दिया है पूरा टाइम घर में रहते हैं मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है वो फिज़िकल एक्टिविटी उनकी ख़त्म होने से उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं ऐसे पेरेंट्स लेकर आते हैं तो आप बच्चों को किसी भी इस्पोर्ट्स में डालिएगा कराटे में डालते हैं तो वेल एंड गुड और मैं ये कहूँगा कि हम लोग भी हम जो पेरेंट्स हैं वो भी किसी न किसी स्पोर्ट्स से जुड़ें और इस्पोर्ट्स करें बहुत ज़रूरी है बिकॉज पहला सुख निरोगी काया अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके घर में कितनी भी फैसिलिटी हो उसका कोई भी मोल नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है फैसिलिटी को जब आप इंजॉय कर पाएंगे तो फैसिलिटी है और वो तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और उसके लिए स्पोर्ट्स जरूरी है ओके सर इट वॉज वंडरफुल एंड टू माई व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट मिलते हैं नए शो में नए पर्सनैलिटी के इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड नॉलेज के साथ टिल दैट टाइम स्टे ट्यून दिस इज योर होस्ट पारुल मिश्र साइनिंग ऑफ